सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, कल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा देश की नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है पूरे देश में। दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, अब जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या क्या अहम बदलाव हुए हैं। पहले की जो हमारी पढ़ाई थी, यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक, उसके बाद फिर उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक होता है, फिर उसके बाद हाई स्कूल 9-10 को बोलते हैं, फिर इंटरमीडिएट 11-12 को बोलते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन होता है। लेकिन अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, पहले बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में पढ़ना है, ठीक है। इसमें पहले बच्चा 3 साल तक आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, उसके बाद अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 की पढ़ाई करेगा इस तरीके से। फिर प्रीपेटरी स्टेज है, यहाँ पर आप देखिए, इसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करेगा बच्चा। उसके बाद फिर मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई को सेकेंडरी स्टेज में रखा गया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं एक चीज और आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसको लेकर के आप लोग कल से ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और वो ये कि जो यहाँ पर ये जो शिक्षा नीति आई है, इसमें शिक्षकों के लिए इंटरव्यू की बात की गई है, खासकर प्राथमिक के शिक्षकों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था की गई है। यानी कि वो एग्जाम तो क्वालिफाई करेंगे, जैसे कि यूपी टेट, सुपर टेट, उसके बाद उनको इंटरव्यू भी पास करना होगा और उसके बाद वो टीचर बनेंगे। तो ये कितनी हद तक ये बात सही है, इसको भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अब जो अहम बदलाव किए गए हैं वो यही है कि बोर्ड परीक्षाएं वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर आधारित होंगी। ये दो भागों, दो तरीके से, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक भी हो सकती हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो कोशिश की गई है भारत सरकार के द्वारा, वो काफी सराहनीय है, और कोशिश की गई है कि बच्चे वही रटी रटाई चीजों को ना पढ़ें बल्कि कुछ नई चीजें सीखें, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, बोर्ड परीक्षाओं का तनाव होगा खत्म, यह नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, ये है कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा कहा गया। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने बुधवार को कहा कि नई शिक्षा नीति से आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी बल्कि रोजगार भी हासिल होगा, क्योंकि इसमें स्कूल की आरंभिक कक्षाओं से ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन के ही नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम ने नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे थे। नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के बाद हिंदुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आखिरकार रोजगार पर हासिल करना होता है, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्रियों से रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता है, इसलिए कक्षा 6 से ही छात्रों को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं कि इस नीति की दूसरी खूबी यह है कि इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए मौजूदा स्कूली शिक्षा के स्वरूप को बदला गया है, शिक्षकों अभिभावकों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है, उच्च शिक्षा में संस्थानों को ग्रेडिंग पर फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई गई हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, लाखों जिंदगियों में बदलाव लाएगी शिक्षा नीति, ये किसका कथन है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कथन है। और दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज बताया गया है कि ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है, इससे बहुत ही ज्यादा सुधार होने वाला है, आगे के समय में रोजगार सृजन होगा, और जब बच्चे शुरू से ही रोजगार परक शिक्षा लेंगे तो कहीं ना कहीं वो कभी भी अपने जीवन में बेरोजगार नहीं रहेंगे, और ऐसा नहीं केवल डिग्री ही लेंगे वो लोग बल्कि स्किल बेस्ड पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वैसे लिखा गया कि 6% GDP का होगा शिक्षा पर खर्च, ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी है, आप लोगों के सेकेंड पेपर में पढ़ाया है, फर्स्ट पेपर में भी पढ़ाया है कि जो 6% जो पूरा GDP होता है उसका 6% खर्च होना चाहिए शिक्षा पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसमें भी वही चीज कही गई है, इसमें बताया गया है कि 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक एक प्रवेश परीक्षा, ठीक है। यानी कि अगर आपको BA, BSc, BCom किसी में भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन में
प्रवेश के लिए। और यहाँ पर देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है जो लगातार कल से ही हो रहा है कि हाँ जो अब शिक्षक बनना है वो शिक्षक बनने की राह बहुत ही कठिन हो गई है, अब कहीं ना कहीं हमें इंटरव्यू से होकर गुजरना पड़ेगा। और कुछ बच्चे तो यहाँ तक कहने लगे थे कि अब तो धांधली होगी बहुत सारी वैकेंसीज में इस तरीके से उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये तो पूरा पूरे देश के लिए नीति बनी है, और इसी में दोस्तों उत्तर प्रदेश ने भी अपनी जो शिक्षा योजना बनाई, या फिर ये कह सकते हैं जो शिक्षा चयन आयोग बनाया, जिसमें प्राथमिक के शिक्षक, इसके अलावा माध्यमिक के शिक्षक, उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षक या विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, इन सभी की भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने जो अपनी लिस्ट जारी की, जो उन्होंने अपनी नोटिस जारी की थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो वर्ग क है, ख है, उसके लिए इंटरव्यू होगा। यानी कि जो माध्यमिक में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले, महाविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे, उनको इंटरव्यू देना होगा। प्राइमरी जो है वो समूह गांव में आता है, उसके लिए अभी इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अभी जो आने वाली वैकेंसीज हैं इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो अभी आप लोग इसके लिए मत डरिए। कुछ बच्चों का कहना ये है कि मैम बहुत धांधली होगा और इस तरीके से हम लोग कैसे शिक्षक बन पाएंगे, गरीब बच्चे तो बन ही नहीं पाएंगे। ये सब सोच आपको नहीं रखनी है, आपको बस केवल अपनी मेहनत करनी है, आपको यूपी टेट पास करना है, सुपर टेट पास करना है, और बाकी इंटरव्यू दोस्तों प्राइमरी में अभी नहीं शामिल होगा। तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइए, ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है। अब ये उत्तर प्रदेश के ऊपर डिपेंड करता है कि उत्तर प्रदेश इसको कब अपने अपने प्रदेश में लागू करती है। लेकिन जब स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग ने खुद ही बोल दिया है कि अभी समूह गा के लिए हमने किसी प्रकार के साक्षात्कार की कोई व्यवस्था नहीं की है, और ये न्यूज मैंने आपको पिछले साल ही बताया था। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, और आपको कहीं पर भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर एक चीज और बताई गई है इस शिक्षा नीति में कि जो बीएड है वो अब इंटरमीडिएट के बाद ही 4 साल का लगातार कोर्स होगा। 4 साल में आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री तो लेंगे ही, साथ ही साथ आप शिक्षक बनने की डिग्री भी उसी में ले लेंगे। और यहाँ पर बीएड कोर्स अभी भी स्नातक के बाद 2 वर्ष का बीएड कोर्स रखा गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों कि अब डीएलएड का नाम बदल करके फिर से बीएड ही रखा जाएगा। जब भी ये कोर्स स्टार्ट होता है, 2022 से पहले तो अभी स्टार्ट नहीं होने वाला है, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा 2022 से मान लीजिए, तो ये जो नीति बनी है इसके अकॉर्डिंग ये चीजें बदलाव में आएंगी। और अब डीएलएड का नाम मतलब अब समझ लीजिए सब एकदम खत्म ही है, अब केवल और केवल बीएड ही, यहाँ पर बीएड का ही जिक्र होगा। और दोस्तों अब आप लोगों का कोर्स भी बीएड के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बतानी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी काम की जानकारी इसमें मिली होगी, और आप लोग भी जो बहुत ही खौफ में थे, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बच्चा पढ़ेगा, अच्छे अच्छे मार्क्स लाएगा, वो निश्चित रूप से जॉब पाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को लेकर के डरिए मत, आपके अंदर अगर योग्यता है तो आपको शिक्षक बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये नई शिक्षा नीति कुछ अच्छा ही लेकर के आई है, और आप लोग भी यही सोच के चलिए दोस्तों कि निश्चित रूप से देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा, तो बेरोजगारों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से घटेगी। क्योंकि अगर शुरू से ही बच्चों को योग्य शिक्षक मिलेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई मिलेगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी आगे जा करके बहुत अच्छा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम आपके सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं, सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आसानी से सभी विषयों को आप देख सकते हैं। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी विषयों को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।